बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर 7:30 शनि अढ़ैया वालों को राहत देगा यह उपाय। 30 मई को है शनि जयंती, करें यह उपाय। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। शनि जयंती यानी शनिदेव का जन्म दिवस, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन किए गए उपाय शनि की 7:30 और शनि अढ़ैया वाली राशियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस साल आपको बता दें शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, इसलिए शनि के इस परिवर्तन से कई राशियों की 7:30 समाप्त हुई है और कई राशियों की 7:30 शुरू हुई है। जिन राशियों पर शनि की 7:30 शुरू हुई है उन्हें शनि जयंती के दिन कुछ उपाय कर लेना चाहिए। शनि जयंती के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजन शमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम मंत्र का जाप करना शुभ और बहुत ही उत्तम रहेगा। शनि चालीसा का पाठ भी शनि जयंती पर बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि जयंती पर शनिदेव चालीसा के पाठ से प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो दान पुण्य करते हैं। दान करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति हो जाती है। आज जिन लोगों का जन्म जो है शनिवार के दिन हुआ है वह शनि जयंती के दिन भी आज के दिन से अगर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। शनि की महादशा वाले लोगों को हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, सभी की भलाई के कार्य करने चाहिए। और जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं बिल्कुल अंकुश में नहीं हैं, आप देखेंगे कि आज के दिन से जो है मतलब जिस दिन से उनका जन्म हुआ है, जैसे जो बच्चे सोमवार के दिन जन्म लिए हैं, जो बच्चे मंगलवार के दिन, उनके जन्म दिवस से अगर सुंदरकांड का अगर पाठ किया जाए और हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए तो यह उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा और उनके लिए वह इससे जो परेशानियां हैं उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।